गुड मर्निङ सबैजनालाई. सो आज चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ म आई वन्ट टु फिक्स अल माई क्लोथ्स प्रपरली मेरो वार्डरोबमा. त्यही कारणले गर्दा सबै लुगाहरू निकालिरहेको छ. क्यान यु गाइज जस्ट सी लाइक यति धेरै लुगाहरूमा एट दि एन्ड अफ द डे लाउने बेलामा चाहिँ केही हुँदैन. यु नो आई थिङ्क दिस इज लाइक युनिभर्सल प्रब्लम फर एभ्री इच एन्ड एभ्री गर्ल्स. सो अहिले फिलहाल चाहिँ लेट मी जस्ट फिक्स दिस एन्ड विल सी यु. लु आमा, 30 वर्ष पुगे. लु पुग्यो. के भन्छ, बडी चाहिँ नि के भन्छ मिरिक जानुभएको छ, अन्त अहिले मिरिकमा चाहिँ ओकाइटी भन्ने जग्गामा जानुभएको छ नि त. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको नम्बरै लागेको छैन. सो अहिले भर्खर पनि मैले ट्राई गरेँ हो, फोन स्विच अफ भन्दैछ. बट एनिवेज, बडीलाई याद छ कि आज मेरो बर्थडे हो भनेर. सायद उसले पनि मलाई फोन गर्नु ट्राई गरिदियो होला, तर अब बडीकोमा पनि नेटवर्कै छैन होला नि त है. मलाई एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ फिलहालमा चाहिँ. सो रेस्ट अफ द ब्लग चाहिँ अलि कन्टिन्यू गरौँ, किन भर्खरै उठेको. सो अलिकति घरहरू सबैलाई सफा गरिहाल्छु. सो सी यु लेटर. सो फाइनली इट्स टाइम टु वेयर माई बर्थडे आउटफिट. आई एम रियली रियली एक्साइटेड. अब चाहिँ म यो लुगा लाउँछु. सो फाइनली नाउ आई विल शो यु गाइज दैट हाउ आई लुक. ए, सो प्रियङ्का पनि रेडी भयो. प्रियङ्का चाहिँ कहिलेबाट कन्फ्युज भइरहेको थियो, के लगाऊ भनेर. सो फाइनली सी इज वेयरिङ, लेकिन जुत्ता चाहिँ आई थिङ्क सी विल चेन्ज है. हाई एभ्री वान, फिलहाल चाहिँ एक्चुली आई वन्टेड टु सुट होल्डिङ माई क्यामेरा, लेकिन अहिले गाडीमा चाहिँ एकदमै लाइटको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति टाढो राख्नु पऱ्यो. बट आई होप माई भोइस इज अडेबल टु अल अफ यु. एन्ड फर्स्ट अफ अल आई वन्ट टु से द्याट थ्याङ्क यू जस जसले मलाई बर्थडे विस गर्यो. आज चाहिँ हामी वी आर गोइङ टु अ प्लेस, इट्स नियर मेहरोली. एक्चुली आई एम गोइङ देयर फर द फर्स्ट टाइम. तु गए बोटाई नहीं गया. और फैजान राइट नाउ इज टॉकिंग वेरी स्लोली बिकॉज ही इज हैविंग सम इन्फेक्शन उसके थ्रोट पे, तो इसलिए ही इज हैविंग दिस यू नो लाइक स्लोली टॉक. ओके, ऑनेस्टली वी जस्ट हैड अ बिग डिस्कशन, लाइक अ सिली डिस्कशन. बट आई विल नॉट यू नो स्टार्ट दिस टॉपिक अगेन बिकॉज हम दोनों के बीच में वो बात खत्म हो गई है. इट वॉज रिलेटेड टू टाइम एंड द ट्रैफिक. तो मैंने इसको थोड़ा सा बोल दिया, इसने मुझे बोल दिया, तो इसी वजह से ये नाराज है मेरे से. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोना डू ओनली वन थिंग. यू गाइस कैन गो नाउ समवेयर, यू कैन गो, आई विल कम. सिंपल, टेंशन नहीं लेनी है. तो हो गया खत्म? नहीं, आगे से मैं वही करूंगा. आई एम नॉट गोना डू दैट. इसमें ना तेरी गलती ना मेरी गलती. मेरी गलती ये है कि मैंने तुम लोगों को बोला मैंने पिक मैं करूंगा. मेरी गलती है, टाइम पे मैंने बोला मैं करूंगा, फिर मैं टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैफिक नहीं पिक करेगा. तू दोबारा से स्टार्ट कर रहा है. स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टार्टिंग अगेन. आई एम नॉट गोइंग टू पिक यू गाइस. यू गाइस तूने पिक करेगा थोड़ी बोला था. बात पिक की तो वी कुड हैव कम इन कैब आल्सो. ओके, यू थिंक आई कैन नॉट पे फॉर द कैब एंड कम टू दिस प्लेस और व्हाट? अरे का टेल यू, मैंने सॉरी भी बोल दिया. हाउ हाउ उसके कितना बोल रहा है तू ना, बस करो अब. ज्यादा खड़ूस बन रहा है माँ का समाज. मैं इतने प्यार से तेरे को मैं बात कर रही हूँ. मैंने बोला ना मेरी भी गलती है, तू भी गलती है, हमारा भी तो गलती है. अच्छा बस चुप हो जाओ, व्लॉग बनाओ, मूड खराब नहीं करो, हम कहीं जा रहे हैं. यही मेरा हाइपर कर रहा है आज बर्थडे के दिन. सो दिस वॉज बिहाइंड द सीन. ऐसा होता है हमारा जब हमारी लड़ाई होती है. सो अहिले फिलहालमा चाहिँ प्रियङ्का एन्ड शशि दे आर नट विथ अस, किनभने एउटा गाडीमा चाहिँ धेरैजना मान्छे चाहिँ बस्न सक्दैन रहेछ, किनभने आई थिङ्क लट अफ चेकअप एन्ड अल इज गोइङ अन होइन. तिमीले दिए चलान कितना? 2000 कितना लिया? 1000 फर नट पुटिङ द सिट बेल्ट. सो अनिका ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो ऑलरेडी चलान कट गया. सो जस्ट इमेजिन इफ दे विल कैच अस सिटिंग 4 पीपल बिहाइंड, तो और भी ज्यादा उन्होंने चलान काटना था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे बोथ आर कमिंग. सचिन प्रियंका इज कमिंग बाय कैब. सो वी आर गोइंग टू द लोकेशन राइट नाउ. इट्स कॉल्ड बोटाई मेहरोली. सो लेट्स सी, आई एम रियली एक्साइटेड टू गो देयर. क्योंकि आई थिंक अनिका तुम भी नहीं गए क्योंकि फैजान नहीं गया तो है ना. और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. तू छोड़ो ना यार, हंस दे. तो हाँ आए तो बोलना. ठीक है यार, दोबारा से सॉरी बोल रहे. ठीक है, अब बस करो. हाँ बस कर, बस हो गया. बोले अनिका ने कैमरा रख दी. ओके, अब हो गया. सबका मूड गिर जाएगा. सो अभी फाइनली सबका मूड ठीक है. ठीक है, अरे से हाई ही इज इन द ही आल्सो इन द कॉर्नर. ओके, सो अहिले चाहिँ हामी वी हेभ रिच मेहरोली एन्ड आई क्यान सी द प्लेस हियर. बोटाई लेखिरहेको छ. आई थिङ्क वी हेभ टु एन्टर फ्रम हियर. एन्ड वाट इज द्याट थिङ, त्यानी बाई करण जोहर, क्या है वो? बोटाई ओगान. अच्छा, दे अल्सो हेभ सबै यहाँ डिजाइनर वेयरहरू पनि रहेछ. एक्चुली मेहरोलीमा दे हेभ लट्स अफ डिजाइनर सप्स हियर. एक्चुली वहाँ पनि लिखा है ना, उधरमा नहीं वहाँ पे साइडमा लिखा है ना, उधरमा ओगान सभ्य साक्षी. I can see Sabyasachi there also.
अच्छा यहाँ से इन दिखाया है, बोला है उसने इन लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे, करण जौहर मतलब करण जौहर ऑफ डिजाइनर, करण जौहर मूवीज बना डिजाइनर नाउ, ओह माय गॉड वाओ, करण जौहर इज अ डिजाइनर देन आई कैन आल्सो बिकम अ फैशन डिजाइनर। Nice. Hi. 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 So we have reached the place. So let's go inside now. Hey. Okay. So Ogan Mandir, yahan pe rahe sa. Fazan say hi. Ab wo theek hai yaar. So yahan nahi rahe. I can see lots of designer place actually. This is Rohit Bal ka yahan rahe sa. Ogan is here. So many. Not bad. Okay. So. मेरे शादी के लिए, मेरे शादी ओ ये लूंगी मेरे शादी के लिए, ये देखो ये इन माय वेडिंग आई विल वेयर दिस कार्निवल, यस कार्निवल सी कुतुब मीनार, या सो दिस वाज द सेम प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू नो यू कैन सी कुतुब मीनार। ये देखो फजान क्या कर रहा है, अब चश्मा पहनेगा, से पहनाएंगे नहीं हम लोग आगे लोकेशन पे, लेकिन ये फिर भी नहीं हंस रहा है। मैंने इसको गाड़ी से सॉरी बोला, कितने बार सॉरी बोलूं बताओ, कितने बार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, बताओ हाउ मेनी टाइम सॉरी। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टू स्विच ऑन योर मूड, ओके 10 मिनट्स, ओके ओके स्टे अलोन एंड स्विच ऑन योर मूड, ओके। सो Anika is also busy in making videos. Yeah, Miss Sashi is busy in clicking pictures. Miss Priyanka is busy in photography. Happy birthday to you. अब नाना नाराज भएर केही पनि छैन, आज सब कुछ उल्टा हुँदैछ। के प्लान मेरो केही भएको छैन, इसीले प्लान नै गरेको। सिरियस आई नेभर प्लान फर माई लाइफ, अब इन माई लाइफ नाउ। रुनु आटिसक्यो हो म यार, आई एम बीइंग अ गुड नाउ, डोंट ईट माय। अच्छा अब ये है कि एक ने अभी गुस्सा किया, अब गुस्सा करे नाउ, रोने वाला हो नहीं यार, तो कार्ड ले यार, फर्स्ट आई विल ड्रिंक वाटर एंड छिटो पानी, जल्दी पानी लेगा। आज बर्थडे, आज विदाई लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मामा, अगर तुम्हारा ऐसा होता, तुम्हारा बर्थडे होता ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता ऐसा। आई वाज एंग्री फॉर अ रीजन, देन आई केप्ट साइलेंट। कितने बार सॉरी बोला मैंने, कितने बार सॉरी बोला तुझे, अब रात भर सॉरी बोलूं क्या मैं? बोला भी सॉरी बोलूं तो आई केप्ट साइलेंट ना, इतना जगह पे सब लोग ग्रुप में बैठे। अच्छा ओए सारा हंगा, आहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, तो सब लोग बोलो ना हैप्पी बर्थडे, सिर्फ मैं ही बोलू क्या ना? नो पहले हर एक में से खाना, फिर बस और कट देके यू ऑलरेडी ला की खाट से ले ना केक, आई विल कट। अच्छा पहले हैव दिस, नो आई विल कट केक, सो यू कट इट देम, ओके एवरीबॉडी विश मी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, song finished, happy birthday to you. I want to say something, so earlier I was upset, I was angry because for some reason, but now it's fine because anyways we are out, so I don't want to spoil mood because it's my birthday anyways, and today is April 21, 2022 and I'm officially 30 years old, aur main bahut zyada khush hoon, mujhe ekdum tere khushi lag hi rahega sir, jhande aur guru na attack thiyo। Actually, I was waiting for this moment from I think almost 2 years back. I wanted to be 30 years old. Priyanka knows this, but anyways, I'm very very happy. And सबको जाना धेरे धेरे thank you मेरे तरफ बटा. So I'm going to cut the cake. Cake सबको cut करना. Cake. No, before I was angry. That's why I didn't cut it. But anyways, if I'm happy, then you know, खुशी भाई बने तो आप सभी को राम रोबे आज इंतजार तो आदि ने किना ना होता है ना. But this is my happiness, so happy birthday to me. Okay.
तैँले मलाई हेरिराख्छस् अब यसलाई चाहिँ अब म हान्छु आज बिर्से भने भनेको छ दिखानु अब भयो नि त सबैजना खुसी सक्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो के के सो नाउ केट पनि काटिसक्यो बट जुन जग्गा हामी आएको छ नि यो बोटाई भन्ने जग्गा चाहिँ सो इट्स नट एक्ज्याक्टली फर अ डाइन प्लेस भएछ कि सो हामीले सोचेको थियौँ यहाँनिर अब राम्रोसँगले खानाहरू खान्छु भनेर बट आई वुड सजेस्ट नट टु कम हियर बिकज दिस इज मोर अफ अ डाइन मोर अफ अ बार लेस अफ अ फुड प्लेस आई डोन्ट हैव मच ऑप्शन बट हम लोग अभी ऑलरेडी यहाँ पे आ गए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है या इसलिए अदरवाइज अगर हम थोड़ा सा जल्दी आते ना तो आई वुडन्ट हैव स्टेड हियर अनिका गॉट मी दिस मोमेंट तू मुझे बताना वैसे किस चीज के लिए ये डायरी होनी डायरी आई डिडंट नो दिस मैं सोच रही हूँ कि मुझे आई नीड टू राइट समथिंग ऑन द टॉप इट्स अ डायरी ये तो तेरे लाइफ को बारे में लेखना आते हैं ओके आई सो क्यूट थैंक यू सो मच लेट्स डू वन थिंग क्योंकि अभी खाना आने में टाइम है ना सी नाउ माई एनर्जी इज बैक सो नाउ प्लीज नो बडी स्पॉइल्स मूड नाउ एनी मोर एवरीबडी राइट वन गुड एंड वन बैड पॉइंट्स अबाउट मी सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर सो एवरीबडी राइट one good thing and one bad thing about me okay the one bad thing means not that like oh the bad wala type it's just like if some things which needs to be changed or agar main wo change karu to if I can improve better how you feel about yeah okay so write about aya main to haath dukhi sakya who start so you start write about me something जब तक नहीं बोलेगा अच्छे से तब तक बोलेंगे हाय नहीं नहीं हुआ हाय नहीं हुआ आई नो यू वेरी वेल जब मूड ठीक कर जल्दी हाय Hi everyone. यो त म एक एक आँसमा खाइदिनु छु त चाहिँ हाई जति भयो नै यो फेक हुवा सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अलरेडी केकमा यस्तो भइरहेको छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच इधर देखेगा तू कहाँ घुम हो गया तू विच लोटस तो वही तो मैंने बोला अरे यू राइट सो एफ हाँ नूडल्स बोला है नूडल्स कैन यू गेट ऑल द फूड टुगेदर या सो खाना चाहिँ यहाँनिर यस्तो खास छैन रहेछ सो जस्ट सिधे अब क्लबिङको लागि हुन्छ यहाँ आउँदा हुन्छ दिस इज द के अरे नेम सनफ्लावर ओके सो राइट 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 टू थिङ्स अबाउट मी सो सो एवरीबडी राइट्स टू थिङ्स अबाउट मी टुडे ओके डोन्ट सी डोन्ट कॉपी एंड डोन्ट से ओके इसके मुनि लिख शशि लिख तेरा नाम लिख अंत मेरे बारे में लिख हम प्रियंका लजा है ना प्रियंका एकदम एकदम खतरनाक लिख ना मेरे बारे में खाना Actually, have you noticed one thing in this restaurant? We are the only ones in this restaurant. We usually come very late. वही तो मैंने इसको वही बोला था. Yeah. इतना सोचना पड़ रहा है इसको मेरे बारे में लिखने के लिए दो चीज लिखने के लिए. शब्द ही नहीं है. Okay, so we just got this curry. What is his name? Some noodles. Okay, so because this is not a food place, ना अब क्या करूँ अब? ट्राई करो कैसा है अच्छा होगा कैसा है हाँ ठीक है हाउ इज इट सो बुझे ना रही सर सो आई विल रीड दिस एट द एंड मतलब बाद में ही पढ़ूंगी जो भी इन इन चारों ने इन पांचों ने लिखा है ना वो बाद में पढ़ूंगी मैं पहले लेट मी ऑल्सो ट्राई द फूड बाप रे बाप फूड पनि यति बिक्न छ कि देखेर नै राल आउँदैछ क्या तूने दो नूडल्स मंगाया था अच्छा
सो आजको चाहिँ दिन आई डोन्ट नो म यसलाई के भन्नु आई वुड नट से इट्स अ ब्याड डे किनभने अब अब केही न केही भइहाल्यो लेकिन हामीले सोचे जस्तो त भएन त्यो चाहिँ भन्दा हुन्छ होइन दिन त नराम्रो अहिले चाहिँ हामी गाडीमा छु कि दिन त नराम्रो होइन तर हामीले जुन चाहिँ हिसाबले हामीले सोचेको थियौँ आई थिङ्क जुन हिसाबले मैले आज प्लान गरेको थिएँ आई थिङ्क मैले कहिले पनि त्यसरी प्लान गरेको थिइनँ होला केही पनि चिज तर मैले सोचेको थिएँ अब सबै साथीहरू होइन अब मिलेर लान्छु बाहिर अन्त राम्रो खासमा चाहिँ मैले राम्रो खाना चाहिँ ड्रिङ्क्स भन्दा पनि ज्यादा हामी चाहिँ राम्रो खाना होस् भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ तर जे सोचेको थिएँ सबैजनाको मुड खराब भएको छ जे सोचेको थिएँ त्यो चाहिँ खा त्यो चाहिँ ड्रिङ्क्स परेछ तर खाना चाहिँ त्यो के भन्छ खानाको अप्सन चाहिँ थिएन रहेछ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मुड खराब भएको ससीको पनि मुड खराब भएको छ ससी आज यति राम्रो देखेको छ ससी नलाग्दा भोक लाग्यो भन्नुहुन्छ ए हो न किनभने खानाको क्वान्टिटी एकदमै कम्ती लेकिन एक्सपेन्सिभ लेकिन क्वान्टिटी कम्ती तुम क्या बोलना चाह रहे हो जो हमने चुज किया जगह वो खराब था है ना We didn't got a good food. Botha is not a good place. तभी मैंने बोला था कि वहाँ जाएंगे बट इट्स ओके दिस इज अ गुड प्लेस टू गो इन बिकॉज उसका कुतुब मीनार के व्यू के लिए सब लोग यहाँ आते हैं मुझे भी एक बार आना था यस यूजुअली पीपल पे फॉर दिस ओनली मेरा भी ये था कि मुझे उसको देखने आना है वरना मैं यहाँ पे नहीं आता एक्चुअली हम सबको ये था कि यू नो लाइक वो इट्स अ रेस्टोरेंट फर्स्ट थिंग इट्स अ गुड रेस्टोरेंट एंड ऑल्सो उसका जो व्यू है इट्स स्ट्रेट टू कुतुब मीनार यू कैन सी अंत वी थॉट दैट यू नो इट विल बी अ वेरी नाइस यू नो कुतुब मीनार देखते देखते अच्छे से खाना खाएंगे हमने ये सोचा था बट मच्छर ने खा लिया फाइन शशि ने कुछ बोला कि बट फाइनली मच्छर ने खा लिया सो सो त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी बन्द गरिदियो नै बन्द गरिदियो ठिकै नै बन्द गरिदियो सो त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ होइन सो विल सी यु लेटर वन्स वी रिच होम है ओके सो अहिले चाहिँ हामी भर्खरै घर आइपुगेको सो यो डायरी चाहिँ मैले खोलेको थिइनँ सो नाउ आई वन्ट टु सी कसले चाहिँ के लेखेको छ भनेर सो फर्स्ट थिङ वाज जुन चाहिँ यो फर्स्ट छ यो चाहिँ अर्थले लेखेको रहेछ पोजिटिभ एनर्जी अरे अन्त टु मच बिओएस मतलब टु मच बस अरे अन्त ससीले लेखेको रहेछ ससी भण्डारीले के लेखेको रहेछ समटाइम एनर्जी समटाइम गुड अरे ओके सो प्रियङ्का लेखेको रहेछ लभिङ एन्ड केयरिङ एङ्ग्री इस्युज अनिकाले लेखेको रहेछ कुल एन्ड केयरिङ अल टु बी गुड फ्रम heart like you are fazan likha sa caring and ke likha sa you don't think before you speak okay so anyways so these are the things what my friends has to say about me so thank you so much for watching our video like comment and subscribe and bye bye